हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में कई व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि आजकल इंस्टाग्राम पे जो एआई इमेजेस ट्रेंडिंग हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, आखिर उनको कैसे बनाते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके की जो इमेजेस हैं जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, उनको आखिर बनाते कैसे हैं, उनके लिए क्या प्रॉम्प्ट देना होगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको अपनी खुद की जो पर्सनल इमेजेस हैं जो मैंने इस टूल की हेल्प से बनाई है, वो मैं सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो आपको बताऊंगा कि उनका प्रॉम्प्ट जो है वो क्या देते हैं। और अभी तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस टूल को यूज़ करते हुए, जो लर्निंग मेरी रही है कि कैसे आपको इमेजेस को जो है वो प्रॉम्प्ट देने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है Leonardo.ai पे, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल टूल है। आपको गूगल पे Leonardo.ai पे सर्च करना है और आप आ जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके के पेज पे। जब एक बार बस बेसिक्स आपको अपनी जीमेल आईडी से साइन इन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको जो है वो रोज के 150 पॉइंट मिलते हैं। ये अब तक का सबसे ज़बरदस्त टूल है जो एकदम फ्री में आपको जो है वो इमेजेस बनाने की एक सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका होम हो गया बेसिकली। यहाँ पर आपको कम्युनिटी फीड भी मिलती है, जहाँ पर आप जा करके जो है देख सकते हैं कि और जो लोग हैं वो किस तरीके की इमेजेस बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या क्या स्टाइल्स होती हैं। यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके प्रॉम्प्ट से। अगर आपको इस तरीके की जैसे इमेज बनानी तो आप इनके प्रॉम्प्ट से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपकी पर्सनल फीड होगी, जो आपकी खुद की इमेजेस होंगी। जैसे मैंने ये इमेजेस अभी तक बनाई हुई हैं, तो ये सारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इनसे इमेजेस हमें बनानी कैसे है। तो AI इमेजेस पे आप जब जाएंगे जनरेटर पे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ मिलेगा और सिंपल सा है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना, अब जैसे मॉन्क वाली जो इमेज है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, तो चलिए मैं आपको मॉन्क की इमेज बना के बताता हूँ। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि हाइपर डिटेल्ड, ठीक है ना, जिससे कि जो इमेजेस हमारी होंगी वो एकदम हाइपर डिटेल्ड होंगी। हाइपर डिटेल्ड मॉन्क सिटिंग, लेट्स से हम बोल देंगे इनको सिटिंग इन द मोनेस्ट्री, ठीक है ना, स्ट्री। और अब जैसे इतना आपने बोला तो हो सकता है मे बी मॉन्क मोनेस्ट्री में बैठा हो, बट वो किस तरफ देख रहा हो वो आप नहीं जानते, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना होगा इसको, वॉचिंग। आप अपने आप को एक कैमरे मैन की तरह लीजिए, वॉचिंग टूवर्ड्स द, सॉरी, टूवर्ड्स द कैमरा, वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा आपने बोल दिया। और अगर आपको जो उसको स्माइल कराना है, इंटेंस लुक देना है, उसको मैच्योर लुक देना है, तो यहाँ पर हम पहले ही बोल देते हैं हाइपर डिटेल मैच्योर, हम यहाँ पर बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। वन सेकेंड, हाइपर डिटेल मैच्योर मॉन्क सिटिंग इन द मोनेस्ट्री वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा, ठीक है ना, इतना ही आपको बोलना है। और अगर आप यहाँ पर जैसे कि जो है वो कुछ निगेटिव भी डालना चाहते हैं कि जो चीज़ ना हो, जैसे मैं कई बार, अगर आप चाहते हैं कि उसमें बियर्ड ना हो, उसकी मूछें ना हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो मस्टेज नो बियर्ड, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप वैसे इमेजेस चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी इमेज चाहिए। तो मैं तो एक ही बनाता हूँ एक टाइम पर, क्योंकि अब मुझे प्रॉम्प्ट की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो देखिए यहाँ पर 10 से 12 सेकेंड में जो है वो आपकी इमेज जो है बन के जनरेट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये मॉन्क जो है हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। अभी इसमें अब क्या है, अब यहाँ पर जो है वो मॉन्क का फेस एकदम सामने आपके नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये अब यहाँ पर मैं दोबारा जो है मैं इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, ठीक है ना। वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर रहेगा हाइपर डिटेल्ड मॉन्क, हाइपर डिटेल्ड फेस मैं यहाँ पर लिख दूंगा, फेस ऑफ मॉन्क मैच्योर मॉन्क सिटिंग इन द मॉनेस्ट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसा आता है, हाइपर डिटेल बोल दिया और यहाँ पर हम अल्ट्रा रियलिस्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है ऐसे कमांड हैं जिनको आप देंगे तो आपकी जो इमेजेस हैं एकदम शार्प आएंगी और बहुत ही डिटेल्ड आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद मैं आपको अपनी जो मैंने इमेजेस बना रखी है, क्योंकि एक एक इमेज मैं आपको बना के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी जो इमेजेस हैं उनके प्रॉम्प्ट से मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको डालनी चाहिए, कैसे आप बना सकते हैं अच्छी इमेजेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हमने फेस पे बोला, हाइपर डिटेल्ड बोला, अल्ट्रा रियलिस्टिक बोला, तो एकदम ये वैसे ही इमेजेस हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पे DID टूल का यूज़ करके या फिर किसी भी और टेक्स्ट टू वीडियो जो जनरेटर टूल्स हैं उनका यूज़ करके इनसे इंस्टाग्राम रील्स बनाई जा रही है।
तो देखिए कितना आसान है, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ और कुछ जो ट्रिक्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको अपनी इमेजेस से ही बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं कोई भी मेरी इमेज, चलिए एक बार पूरा मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, ठीक है, वन सेकेंड। तो ये मेरा पूरा जो है वो पर्सनल फीड है, ठीक है ना। अब मैं आपको जैसे ये इमेज है, मैं आपको देखिए कि कितनी प्यारी इमेज है, और यहाँ पर मैंने क्या, मैं माँ दुर्गा की इमेजेस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्यूट लुक देना चाहता था उनको। तो देखिए जब मैंने यहाँ पर सिर्फ क्यूट लिख दिया तो पिक्चर की आप जो जितनी क्यूटनेस है इसमें जो है वो ओवरलोडेड है इस पिक्चर में माँ दुर्गा के फेस में, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल, आपने बोल दिया कि आईज जो है उनकी बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, उनकी स्माइल जो है होनी चाहिए। तो आपको डिटेल में जो है वो काम करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा टूल को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बोला कि डिटेल हाइपर डिटेल, यहाँ अब देखिए ये हाइपर डिटेल की जो पोजीशन होती है ना वो भी बहुत असर डालती है, कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील किया। अगर आप हाइपर डिटेल को इस मतलब ये फेस के बाद डालेंगे तो उस चीज़ में वो डिटेलिंग लाएगा, अगर आप यहाँ पर लास्ट में जैसे आप हाइपर डिटेल लिख देते हैं तो वो पूरी इमेजेस में हाइपर डिटेल डिटेलिंग लाएगा बट हो सकता है वो आपके जो फेस में जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिटेल्स कम रह जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे चूंकि फेस में डिटेलिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इसको, उसके बाद मैंने बता दिया कि मुझे सैफ्रॉन क्लोथ्स में चाहिए, ठीक है ना, नाइट सीन्स चाहिए मुझे, और यहाँ पर देखिए मैंने बोला है कि मून लाइट्स आर कमिंग ऑन द दुर्गा माँ, ठीक है ना, ये मैंने इसको बोला। तो देखिए यहाँ पर लाइट्स जो एक लाइटिंग है पूरी पूरी एक सैफ्रॉन सी लाइटिंग, एक जो मून लाइटिंग है वो आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, आप कितना अच्छा इमेजिन कर पाते हैं। फिर यहाँ पर आप नेचुरल कलर्स आपने लिख दिया, पॉजिटिव वाइब्स आपने लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप जब देखें तो देखिए पूरी इमेज जो है वो एकदम खिल के आ रही है, इसको देख के आपका मतलब मन जो है वो खुश हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉम्प्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। चलिए अब इसके अलावा भी मैं कुछ आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए। अब जैसे ये जो इमेज थी, कोई यार इमेज लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे देखते हैं कि इसका प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया था। तो अगेन दुर्गा माँ विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल इज अडोरिंग या क्यूट गर्ल, ये जो माँ है वो क्यूट गर्ल को अपनी गोदी में बैठा करके, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि अ क्यूट गर्ल चाइल्ड इन हर लैप इन द फॉरेस्ट, ठीक है। हाइपर डिटेल देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इस बार, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पर दोनों जो मेरी दुर्गा माँ हैं और जो जो बेटी को जिनको वो प्यार कर रही हैं, दोनों की जो है वो डिटेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाइपर डिटेल को यहाँ पर लिखा। नाइट सीन मैंने बोला वॉचिंग टू द कैमरा, जिससे कि वो एकदम सामने की तरफ देखिए आप इमेज में जो वो देख पा रही हैं। हाइपर डिटेल्ड, अल्ट्रा रियलिस्टिक, नेचुरल कलर, पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है ना। तो देखिए कितनी अच्छी इमेज जो है इसने मुझे बना के दी है। तो इस तरीके से आप भी जो है वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए जो है वो बहुत अच्छी अच्छी इमेज जो है वो इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कितना प्यारा जो इमेज थी, इस पर मुझे बहुत लोगों ने काफ़ी मेरी प्रशंसा की। तो देखिए ये जो इमेज थी, अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि अगेन वही मुझे क्यूट दुर्गा माता की पिक्चर चाहिए थी विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल हाइपर डिटेल इन द रेड क्लोथ्स। तो मैंने यहाँ पर जो है वो रेडनेस को थोड़ा सा जो है वो उसमें थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करी थी ना। तो मैंने यहाँ पर बोला रेड क्लोथ्स इज सिटिंग ऑन द लॉइन इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए लॉइन पे जो है वो बैठी हुई है हमारी माँ, और नाइट सीन्स मून लाइट्स आर कमिंग ऑन द दुर्गा माँ, ठीक है ना। तो आप अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अगर आपको हिंदी में भी लिखना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई इतना बड़ा उसमें काम नहीं है, और कोई आपको प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं लिखनी है। आप इस कॉमा लगा लगा के, एक कॉमा के बाद में जो समझेगा कि भाई आपका ये टास्क हो गया, दूसरा आप जैसे ही लगाएंगे फिर वो समझेगा कि ये दूसरा प्रॉम्प्ट है। तो उस तरीके से देखिए आप वॉचिंग टू द कैमरा, हाइपर डिटेल्ड, अल्ट्रा रियलिस्टिक, नेचुरल कलर, पॉजिटिव वाइब्स, इस तरीके के जो है वो आप यूज करके बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस जो है से वो बना सकते हैं। तो आई होप आपको अभी तक मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इमेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जो मैंने बनाई है। तो देखिए ये इमेज इतनी प्यारी इमेज है, यहाँ से एक बार देखते हैं इसको। देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्यूट कृष्णा विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल, क्यूट कृष्णा जी मुझे चाहिए थे, कान्हा जी का एक बचपन का मुझे फॉर्म चाहिए था विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल। हाइपर डिटेल्ड मैंने यहाँ पर इस बार लिखा क्योंकि मुझे आईज एंड स्माइल में जो है वो डिटेलिंग चाहिए थी, ठीक है ना। इन द फॉरेस्ट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, नाइट सीन और ये सारी चीज़ें, मून लाइट्स आर कमिंग, देखिए यहाँ पर मून लाइट्स उनके ऊपर आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ खेल रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, वॉचिंग टू द कैमरा, जिससे कि वो हमारी तरफ ही जो है वो पिक्चर एकदम अच्छी आएगी, ठीक है, हमारी तरफ देखते हुए पिक्चर आएगी। हाइपर डिटेल्ड है, अल्ट्रा रियलिस्टिक, पॉजिटिव वाइब्स। तो इस तरीके से जो है वो आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करके बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो leonardo.ai से हेल्प से बना सकते हैं। और आई होप आप, मैं आपको थोड़ा अपनी वीडियोज़ और दिखा देता हूँ, सॉरी पिक्चर्स दिखा सकता। देखिए ये पिक्चर मैंने कितनी अच्छी बनाई थी,
कहाँ गई, वन सेकेंड, ये देखिए इतनी प्यारी पिक्चर है ये सभी, देखिए इसका आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म क्या है, क्यूट लॉर्ड गणेशन सैफ्रॉन क्लोथ्स प्लेइंग विद द एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि भाई लॉर्ड गणेशा जो है वो अलग जो कई सारे जो एलिफेंट्स हैं छोटे छोटे उनके साथ वो प्ले कर रहे हैं, उनके साथ मजे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एलिफेंट बैठा हुआ है जो कि देख रहा है, यहाँ पर कई एलिफेंट छोटे छोटे हैं, एक एलिफेंट जो है वो प्रॉपर ओढ़ के सो भी दिया। तो इस तरीके की इमेजेस आप बना सकते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती है, और यही इमेजेस जो हैं वो आजकल इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं, ट्रेंडिंग हो रही हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और प्लीज़ अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो पर।